हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पकौड़े वाली कढ़ी की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट पकौड़े बनेंगे और कढ़ी फटाफट से बनके रेडी हो जाएगी। कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सकें। तो सबसे पहले हम पकोड़े बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बोल में लिया है 1.5 कप बेसन। बेसन में हम डालेंगे 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक। और बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। बैटर को मैंने लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक फेंट लिया था और पकौड़े के लिए मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो उसी में से 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल हम डाल देंगे इस बैटर में। इससे पकौड़े बहुत सॉफ्ट और ऊपर से हल्के से क्रंची बनेंगे। और बस मिक्स कर दिया मैंने। और तेल ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म ऑयल में हम पकौड़ियाँ तलेंगे। छोटे बड़े जिस तरह के पकौड़े आप चाहते हैं बना लें। कढ़ी के पकौड़े बहुत ज़्यादा लाल नहीं किए जाते हैं, हल्के से येलो रहें तभी हम इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। और बचे हुए बैटर के पकौड़े भी इसी तरह से बना लेंगे। और अब हम कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो जिस बोल में हमने भजिए का बैटर रेडी किया था उसी बोल में हम बेसन ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के आसपास बेसन लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बना लेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे 750 ml छाछ यानी कि मठा और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और कढ़ाई का मैंने सारा ऑयल निकाल दिया है, इसमें सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल रहने दिया है। इसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून राई। राई को स्प्लिटर होने देंगे। 1/4 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे। फिर 1 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर क्रश किए हुए अदरक लहसुन। गैस की फ्लेम को लो और लो मीडियम रखें और चीज़ों को चलाते जाएं डालते हुए। और थोड़े से मैंने लिए हैं करी लीव्स और 3 से 4 हरी मिर्च ली है, इनको मैंने बड़े पीसेस में काट लिया है। दो पिंच हींग डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 टी स्पून ही धनिया पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे और जो छाछ और बेसन का हमने बैटर रेडी किया है वो अब हम इसमें डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखें और अब हम इसको लगातार चलाएंगे गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए, तब तक जब तक कि कढ़ी में बॉयल नहीं आने लगता है। 2 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, तो इसको लगातार चलाते जाएं। अगर हम कढ़ी को बिना चलाए ऐसे ही छोड़ देंगे तो कढ़ी फट सकती है और फन भी सकती है। तो ये देखिए इस तरह से चलाते जाएं और कढ़ी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। और नमक मैं कढ़ी में हमेशा बॉयल आने के बाद डालती हूँ ताकि कढ़ी कभी फटे ना। वैसे मेरी तो आज तक नहीं फटी, लेकिन ये बहुत अच्छी ट्रिक है। बस नमक डाल के मिक्स कर देते हैं। कढ़ी को हम 10 मिनट तक और पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर, बीच बीच में स्टर कर देंगे। 10 मिनट तक पकाने के बाद लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस मिक्स कर देते हैं अच्छे से और हमारी सुपर टेस्टी कढ़ी बनके तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी है और पकौड़े डालने से ये थोड़ी सी और थिक होगी। तो ज़बरदस्त कढ़ी बनके तैयार है।
और इसको आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा तड़का लगा सकते हैं लाल मिर्ची का। तो सर्व करने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून लिया है गर्म देसी घी, उसमें डाला है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ऊपर से हम तड़का लगा देंगे। तो सुपर टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार है। बस आपको थोड़ा सा छाछ का ध्यान रखना होगा, अगर खट्टी है तो कम डलेगी, थोड़ा सा पानी ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, और अगर कम खट्टी है तो छाछ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की और भी सिंपल एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल सिंपल रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।